अगर आपने वो मूवी देखी हो एनाकोंडा तो बिल्कुल वही लोकेशन नज़र आ रही है मुझे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से मंजूसा झील की तरफ और इस वक्त मैं जो हूँ आज़ाद पट्टन से थोड़ा सा पीछे हूँ, कोहोटा क्रॉस किया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। ये रास्ते में एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया, ब्रिज बड़ा शानदार बना हुआ था, मैंने कहा मैं ये शॉट भी थोड़ा दिखा लूँ। अभी जो को सुबह सुबह का टाइम है ना, तो जो एक्चुअली ये नीचे जो है दरिया की एक झील है पूरी, ये आज़ाद पट्टन डैम है, पावर डैम बन महल फाइनल हो गया, ये तकरीबन 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त। ये नीचे पानी की झील है जो इसमें आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह सुबह ना, वो नज़र ही नहीं आ रहा, पानी ऊपर बुखारात इतने इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला आज सुबह मुझे उम्मीद है कि अगले 2 घंटे तक मैं पहुँच जाऊँगा मंजूसा झील पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ रावला कोट। तो अब ये रोड पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और पिछले साल भी मैं हाँ जी आया था, उस वक्त भी वो डैम बन रहा था ना, उसकी वजह से ना रोड जो है वो बहुत ख़राब थी। अभी भी थोड़ा थोड़े पीस हैं कहीं कहीं से, लेकिन नॉर्मली सारी रोड आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रोड है, बड़ा सफ़र भी करने का मज़ा आता है बिल्कुल। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब है मंजूसा झील। रावला कोट पहले जाना पड़ता है, रावला कोट से तकरीबन 15 किलोमीटर के आगे है खाई गाला जगह। खाई गला से एक कह लें एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से एक सड़क तो राइट साइड पर हो जाती है मंजूसा झील की तरफ, और दूसरी लेफ्ट साइड की चली जाती है टोली पीर की तरफ। टोली पीर भी वहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 20 किलोमीटर के करीब है, तो वहाँ से 10 किलोमीटर के करीब मंजूसा झील है। तो अब तो खैर रोड का ओवरऑल बहुत अच्छा रूट है, कश्मीर की सारी रोड भी बहुत अच्छी बन गई हैं, कहीं कहीं से भी छोटा मोटा पीस होता है ख़राब, वो भी इस वजह से क्योंकि लैंड स्लाइडिंग जो है ना वो होती रहती है। अब भी बारिशों का मौसम शुरू हो चुका, पीछे भी एक जगह पर लैंड स्लाइडिंग से उसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे मुझे वेट करना पड़ा। तो लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस बड़ी ज़बरदस्त है, कोई कहीं लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो तो अगले बड़े थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो मशीनरी पहुँच जाती है वहाँ पर उसको पत्थरों को रिमूव करने के लिए। तो उसकी वजह से ना प्रॉब्लम तो वक्ती तौर पर होती तो है, लेकिन ये है कि सॉल्व हो जाती है। बेसिकली कश्मीर के जो पहाड़ हैं ना, ये है ब्यूटी इसी वजह से सबजा कि इसमें मिट्टी की मकदार ज़्यादा है पत्थरों की नस्बत, पत्थर कम है और मिट्टी ज़्यादा है, और मिट्टी है भी चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी पे जो है ना स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती है, और लैंड स्लाइडिंग जब होती है ना वो जब बारिश की वजह से वो मिट्टी ऐसा हो जाती है जैसे कि दलदल होती है, और स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा होती है।
चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं रावला कोट सिटी में। अभी तो सुबह का टाइम है ना, तो शॉप्स वगैरह अभी नहीं खुली। मेरा प्रोग्राम था यहाँ से, वो एक सिम ले लेता है एसकॉम की, अच्छा नेटवर्क है। वो ये है कि जहाँ हमारा दूसरे नेटवर्क वर्क नहीं करते ना, तो नॉर्मली ये वहाँ पे भी चल रही होती है सिम। मेरे पास पहले थी लेकिन वो डेड हो गई, तो उस वजह से ना अब नई सिम लेनी थी, तो बाजार अभी नहीं खुला। चले खैर, अब देखते हैं, कोई नाश्ता करते हैं यहाँ से, नाश्ता करके तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे का ना मंजूसा का निकलते हैं प्रोग्राम। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया रावला कोट शहर भी पहले की नस्बत। पहले पूरे हमारे जो आज़ाद कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें से रावला कोट भी शामिल था, और मीरपुर था, कोटली था, रावला कोट था, और बाग था, और मुजफ्फराबाद था। अब तो आलमन 10 ज़िले बना दिए गए हैं। आबादी ओवरऑल हर एक तरफ इंक्रीज हुई है, उसी हिसाब से कश्मीर में भी है। अच्छा, सुबह को तो इतना आइडिया भी नहीं होता, अगर रात के टाइम आप देखें ना, जैसे रावला कोट शहर में या बाग या किसी भी शहर में, तो लाइटों से आइडिया होता है कि भाई तकरीबन हर पहाड़ के ऊपर ही आबादी है। ये अब हम जा रहे हैं जी रावला कोट से खाई गला की तरफ। ये भी तकरीबन 15 किलोमीटर करीब है फासला, तो लेकिन वो बहुत प्यारा है। और जहाँ देखें रोड जो है ना, वो तो सब्जे में और ऊपर से सारे दरख्तों में घिरा हुआ है सारा रास्ता। और 15 किलोमीटर तो खैर इतना कोई महसूस भी नहीं होता, एक कह लें कि शहर का हिस्सा ही लगता है। बिल्कुल खाई गला,
थाई गाला से फिर जो है ना वो एक रोड हो जाती है बुरूसा की तरह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर करीब है। ये हम पहुंच गए हैं जी अब खाई गाला। ये आप देखें, ये आ गया चौराहा, यहाँ से हमें राइट हो जाना है। ये अब जा रहे हैं हम बंजूसा की तरफ। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर करीब है और 20 मिनट के करीब लगता है फासला। रोड भी बड़ी शानदार है, बहुत प्यारा, ये दरख्तों में घिरा हुआ सारा इलाका है, बहुत ग्रीनरी बहुत है, सब्जा ही सब्जा हर तरफ। ये यहाँ का जो है मेन सिटी है यहाँ का खाई गाला, तोली पीर को भी यही लगता है और मंजूसा को भी यही लगता है।
ये हम पहुंच गए हैं जी बंजूसा झील पे। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना होने के बराबर है, कोई टूरिस्ट वगैरह भी नहीं आने शुरू हुए यहाँ पे। ये यहाँ छोटी छोटी हैं शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, कुछ तकरीबन ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ से दस्तयाब होती हैं, और उसके अलावा होटल्स भी बड़े अच्छे मुनासिब से बन गए हैं टूरिस्ट वगैरह के लिए। अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 3 साल पहले मैं आया था तो उस वक्त फिर मैंने वहाँ यहाँ नाइट स्टे भी किया था। साथ बड़े हट्स भी बने हुए हैं, वो भी बड़े मुनासिब हैं। बेसिकली ये झील जो है ना, एक आर्टिफिशियल लेक है। ऐसे कहते हैं कि 80 की दहाई में ये डैम बनाने का प्रोजेक्ट था इसको, तो 80 से 90 की दहाई में उस वक्त शुरू किया गया था पानी को कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने ना ये मिलके प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन ये सयाहों की तवज्जो काफ़ी मरकज़ बन गया क्योंकि ये लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। फ़र्स्ट टाइम जब मैं भी आया था तो एकदम बंदा कह लें कि मसूरी हो जाता देख के, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ और दरख्त बड़े लंबे लंबे दरख्त हैं, और इतनी शहरी ज़िंदगी से जब निकलते हैं तो ऐसे माहौल में तो वो बड़ा दिल को भाती है जगह। जी, मैं इस वक्त बंजूसा झील पे मौजूद हूँ, तो भी बड़ा पुरसकून माहौल है। नॉर्मली अभी कोई लोग आना शुरू नहीं हुए टूरिस्ट वगैरह, या क्योंकि आज हालांकि सैटरडे है, सैटरडे संडे को यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, तो लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 9:10 हुए हैं अभी, तो अभी बिल्कुल खामोशी है, नहायत पुरसकून माहौल है। ये आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पर भी सारा बैक एंड बैक हर तरफ, तो मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। बल्कि अगर आपने वो मूवी देखी हो एनाकोंडा, तो बिल्कुल वही लोकेशन नज़र आ रही है मुझे तो। ये आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त ना झील के बिल्कुल दूसरे एंड पे मौजूद हूँ। मैंने कहा इसका एक राउंड लगा के देखूँ ज़रा, पहले भी मैंने आया हूँ, राउंड भी किया हुआ है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आया हूँ। मैंने कहा आपको ज़रा एक उसका अपना पर्सपेक्टिव व्यू दिखाऊँ ज़रा। अभी चूँकि मौसम इस तरह का कि मैं बारिश डेली हो जाती है, अभी भी बस बारिश होके रुकी है, थोड़ी देर हुई है, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा देख लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आगे दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर किसी किस्म की कमी बेशी देखें तो मुझे आप कमेंट करें इंशाल्लाह, ताकि वो मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।